गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस और बगड़िया बाल विद्या निकेतन। प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड द टेरिडोफाइटा डिवीजन थर्ड। टेरिडोफाइटा अपन ने कल करा था। नेक्स्ट जो है डिवीजन फोर्थ वो है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट जो है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है वो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं इन द टेरेस्ट्रियल, तो उसको अपन को ज़्यादा थोड़ा डिस्क्रिप्ट में पढ़ना है, डिस्क्राइब करना है उसको। तो डिवीज़न फोर्थ है जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? दीज आर द नेक्ड सीडेड प्लांट्स। सीड जो होते हैं जनरली अक्सर अपन ने क्या देखा है, सीड्स पे कवरिंग होती है, सीड कवर्ड होते हैं, है ना। विदाउट कवरिंग सीड जो होते हैं वो अपन ने कम देखे हैं, अपन देखते ही नहीं हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो होते हैं नेक्ड सीड्स, जिन पे कवर नहीं होता है, सीड कोट नहीं होता है। तो जिम्नो मीन्स क्या होता है बेटा? जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। तो ऐसे सीड्स जो नेक्ड होते हैं, जिन पे कवर नहीं होता, वो बिलोंग्स करते हैं जिम्नोस्पर्म, डिवीजन जिम्नोस्पर्म से। जो साइकस पाइनस एग्जांपल है, साइकस पाइनस लंबे जो ट्रीज होते हैं ना, साइकस पाइनस, चीड बोलते हैं ना, चीड, तो वो है इसमें प्रेजेंट है, इनमें इंक्लूड करे गए हैं। देखिए फर्स्ट है इसका नेक्ड सीडेड प्लांट्स जिम्नोस्पर्मा। जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। तो नेक्ड सीड जो प्लांट है वो जिम्नोस्पर्मा में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। डोमिनेंट फेज क्या है इसकी? स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा में भी अपन ने क्या पढ़ा था कि डोमिनेंट फेज क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। फिर ब्रायोफाइट्स में अपन ने पढ़ा था कि गैमेटोफाइटिक जो है वो डोमिनेंट फेज होती है, याद रखना है। प्लांट्स जो होते हैं देखिए मॉडरेट कंडीशन में होते हैं, लार्जेस्ट भी होते हैं मॉडरेट भी होते हैं, जैसे श्रब्स होते हैं। लार्जेस्ट जो ट्री है वो है सेक्विया, वो है जाइंट रेडवुड ट्री, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्पीसीज है इसकी, सबसे लंबी वो है सेक्विया, ठीक है। वो है जाइंट रेडवुड ट्री जो जिम्नोस्पर्मा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है देखिए, इनमें जिम्नोस्पर्मा जो होते हैं टैप रूट होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ी है अपन ने। फाइब्रस रूट्स क्या होती है? टैप रूट सीधी आती है ऐसे, है ना, वो मतलब क्या कह सकते हैं कि डिवाइड नहीं होती, सब डिवाइड नहीं होती। फाइब्रस रूट क्या होती है? ऐसे यहाँ आ गई, ये डिवाइड हो गई, है ना। फाइब्रस का मीन्स कि एक नेट बना लेगी, टैप रूट ऐसे नहीं होती है, वो सीधा सब डिवाइड नहीं होती है टैप रूट, और फाइब्रस रूट जो होती है वो सब डिवाइडेड हो जाती है, है ना। तो टैप रूट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है विद द फंजाई, जिसको अपन क्या कहते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होती है? जो हायर रूट्स की प्लांट होती है, हायर प्लांट्स हैं उनकी जो रूट होती है उनमें फंजाई प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? वैसे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो माइकोराइजा क्या करता है? जो हायर प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं फंजाई, उनके साथ ये जो पाइनस और साइकस होते हैं ये क्या करते हैं? माइकोराइजा जो है वो रिलेशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर देखिए जो साइनोबैक्टीरिया जो प्लांट होते हैं, है ना, उनकी रूट्स जो हैं वो उनमें, जैसे साइकस है, साइकस के जो रूट्स होते हैं वो बनाते हैं कोरलॉइड रूट्स, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आती है। साइकस, पाइनस और साइकस इसके एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स क्या होती है? लीव्स आर लार्ज पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड क्या होती है बेटा? अपन ने लीव्स देखी है ना, तो लीव्स में क्या होता है? एक तो सिंगल ये मिड रिब होती है ना, है ना, इनमें बीन्स होती हैं, तो कुछ क्या ऐसी होती है, बस ये हो गया अभी ये लीव्स, है ना। लेकिन कुछ में क्या होता है? पिनेटली कंपाउंड क्या होती है? इधर आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है ना। एक क्या होता है? एक टैप जाल सा, नेट नेट लाइक स्ट्रक्चर्स हो गई दोनों तरफ से, दोनों जो एंड है लीव्स के यहाँ से बहुत एक नेट लाइक वायर लाइक स्ट्रक्चर्स हो गई, तो उसको अपन कहते हैं, जो लीव्स होती है वो होती है पिनेटली कंपाउंड, कंपाउंड लीव्स, ठीक है। और ये लीव्स होती हैं या प्लांट जो होते हैं वे विथ स्टैंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड। बहुत ज़्यादा निडल शेप होती हैं, इसके लिए उनमें रेजिस्टेंस कम लगता है एयर का, तो एक्सट्रीम कंडीशन जो है जैसे ह्यूमिडिटी है ना, बहुत ज़्यादा विंड है, टेम्परेचर है, तब भी वो आसानी से वहाँ पर एडजस्ट रहते हैं, ठीक है। फिर वैस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड। वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, बात करी थी अपन ने कल टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में सबसे पहले वैस्कुलर बंडल्स डेवलप हुए, है ना, जाइलम फ्लोएम।
उसके बाद डेवलप ही होते गए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आते आते तो वो वेल डेवलप हो गए। नेक्स्ट है हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरी कल अपन ने पढ़ी थी कि वन टाइप ऑफ स्पोर्स और टू टाइप्स ऑफ स्पोर, एक टाइप के होंगे तो होमोस्पोरी, अलग अलग टाइप के होंगे तो हेट्रोस्पोरी। तो देखिए बेटा माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर किस में होते हैं, माइक्रोजोस्पोरिंजिया होती है ना, उसमें होते हैं। वो क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक है। फिर है बेटा मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स कहाँ होते हैं, मेगास्पोरिंजिया कंटेन करती है उसको, ठीक है। अब मेगास्पोर क्या होते हैं, फीमेल कौन बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब इनमें आगे क्या होगा, मेगास्पोर्स में जो भी है मियोसिस होगा, तो मियोसिस होगा तो मेगास्पोर क्या बनाएगी भाई, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। आगे चलकर जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनमें मियोसिस होगा तो वो क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं वो ये बनाते हैं जब इनमें मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होगा तो वही बात, मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे, मेल गैमेट बनाएंगे। मेगास्पोर्स क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेट बनाएंगे या ओव्यूल बनाएंगे जो भी है, ठीक है। अब स्पोर्स बन गए, अब क्या होना है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कैरी होते हैं बाय द विंड, पोलन ग्रेन है वो कैरी होंगे बाय द विंड और कहाँ पहुँचेंगे, ओव्यूल्स तक, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स कैरीड बाय द विंड ट्रांसफर्ड इनटू द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स तक पहुँचेंगे। ओव्यूल्स में क्या है, आर्किगोनिया, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको आर्किगोनिया कहते हैं, एंड्रोइशियम कहते हैं, आर्किगोनिया एंड्रोइशियम, ठीक है। फीमेल तो आर्किगोनिया तक वो पहुँचते हैं, आर्किगोनिया तक पहुँचते हैं तो एक पोलन ट्यूब वहाँ से जनरेट होती है। पोलन ट्यूब से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, ओव्यूल्स तक पहुँचते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स तक पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ओव्यूल्स बचते हैं वो क्या बनाएंगे बेटा, सीड बनाएंगे, ठीक है। ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो गया फर्टिलाइजेशन, है ना। जब यहाँ पर मेल गैमेट पहुँच जाएंगे, पोलन ग्रेन्स पहुँच जाएंगे, तो यहाँ ओव्यूल्स है, ओवा है, एग सेल है, वो क्या करेगी, इनसे फ्यूज हो जाएगी, सेनगैमी फर्टिलाइजेशन होगा, रिजल्टेंट क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा है भाई, ओव्यूल्स, ओवा बचे हैं, ओव्यूल्स बचे हैं ना, ओव्यूल्स क्या करेंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर क्या है, सीडलेस है, तो ये ओव्यूल से हटकर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये जो फ्रूट बनते हैं वो विदाउट फ्रूट भी बनते हैं, फ्रूट बनते ही नहीं है। मान लीजिए कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, पार्थेनोकार्प पे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट में क्लास में। जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, ओव्यूल सीड बन गए और फ्रूट बन गया, ओवरी जो है वो फ्रूट बना देती है, ठीक है। ये बच गया, अब जैसे ही फ्रूट बन जाते हैं जो भी है, तो ये वापस स्पोरोफाइटिक कंडीशन जो है गैमिट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी मेन जो है वो अपन ने बात करी थी कि डोमिनेंट फेज क्या होती है, स्पोरोफाइट, तो ये वापस से वहीं से स्टार्ट करता है विद द स्पोर्स। स्पोर्स से नया प्लांट वापस से यही जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे अपन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में अपन को मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर्स, फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर्स, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये सब फिनोमिना पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।